डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप बहुत करीब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते समझते रहते हैं। जो पिछले दिनों हालात चले हैं, उसमें अमित शाह क्या सोच के और क्या करने आए होंगे और भविष्य की क्या योजनाएं होंगी गोरखपुर के आने के पीछे अमित शाह की? शुक्रिया संजय जी इस बातचीत में शामिल करने के लिए। मुझे तो निदा फाजली का एक शेर याद आता है, मैं उसी से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। असल में सियासत में इस तरह से जो जेस्चर पेश किया जाता है उसके भी अपने मायने होते हैं, तस्वीरों के मायने होते हैं। बाहर से कम दिखने में तो एक दिखा जाए, इसकी कोशिश होती है कि हम एक संदेश दे पाए कि हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं, लेकिन असल में इस समय, और उत्तर प्रदेश की जब बात हो, उत्तर प्रदेश तो देश के उन इलाकों में माना जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात कहूं तो वहां तो चाय की जो जो दुकानें हैं ना छोटी छोटी, उन पर भी ऐसी सियासी बहसें होती हैं गोया विधानसभा या लोकसभा की सारी कारस्तानियां उन्हें बखूबी पता है। ये इस बात का संकेत करता है कि हर व्यक्ति की अपनी सियासी समझ है। तो गोरखपुर को लेकर के पिछले दो दशकों में योगी आदित्यनाथ की जो स्थिति रही है वो बिल्कुल ठीक पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि वहां वर्चस्व का एक संघर्ष रहा है। गोरखपुर में खुद के वर्चस्व को कारगर और सफल दिखा करके योगी आदित्यनाथ ने पूरे पूर्वांचल में अपनी छवि विशेष के चलते एक पहचान बनाई, लेकिन जब उन्हें 2017 में मुख्यमंत्री पद मिल गया तो जाहिर सी बात है, मैं तो इस बहस में एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं संजय जी, यह एक विश्लेषण का बिंदु है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने क्या देख करके 2017 में मुख्यमंत्री पद इन्हें दिया था, और अचानक 5 साल बाद ऐसा क्या बदलाव आया कि पिछले साल तक चर्चा जोर शोर से होने लगी कि हो सकता है उत्तराखंड की तरह या बाकी राज्यों की तरह इन्हें हटाया भी जा सकता है। ये जो बदलाव आया इसके पीछे भी एक कहानी है, इन कहानियों में चुनावी जीत हार के किस्से छिपे हुए हैं, वो कहानी गोरखपुर की भी है। उस कहानी में राधा मोहन अग्रवाल हो या बाकी लोग हों, उनकी भूमिकाएं क्या है, खुद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद के समीकरण कैसे बदले, उन्होंने कितना समय दिया गोरखपुर में, इसका भी एक समीकरण है। जो नाराज हैं अभी समाजवादी पार्टी ने अभी टिकट नहीं दिया है, इसका भी असर पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद गए सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उनकी अपनी एक भूमिका होगी, बसपा की अपनी भूमिका होगी। अब दूसरे पहलू पर आते हैं आपके सवाल की कि इस पूरे पृष्ठभूमि से वाकिफ केंद्रीय नेतृत्व है, और इसीलिए देश के गृह मंत्री को अब लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होकर के एक संदेश देने की फितरत हो रही है कि हम सब एक हैं। आज मैं वर्चुअल रैली में जब वेस्टर्न यूपी के लोगों को नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो मैंने वहां भी देखा कि वो जो कुछ भी बोला जा रहा था उसका अंडरटोन में अब तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासन में एक राम राज्य स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उसका एक संदेश देने की कोशिश अमित शाह ने भी की है, यह उन दूरियों को मिटाने की एक कोशिश है, मगर मेरा आकलन ये कहता है कि सब कुछ ऊपर की तस्वीरों और विजुअल से नहीं होता, जमीनी स्तर पे जो समीकरण बन चुके होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आखिर में मुझे लगता है काम वही आएगा जो डीएमएसपी रखे गए हैं, जो वोटिंग के समय तक बहुत असर पैदा करते हैं, वोटिंग के बाद काउंटिंग के समय भी कब बिजली जाएगी और कब वापस बिजली आएगी इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण सीट है योगी आदित्यनाथ के लिए, और मुझे कई बार यह भी बात लगती है कि अमित शाह अगर गए भी हैं तो हो सकता है वो योगी आदित्यनाथ को जीता न सकें, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिश ये रहेगी कि भले योगी आदित्यनाथ हारें उत्तर प्रदेश भाजपा जीते, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा हारती है तो उनका 24 का जो सफर है वो मुश्किल होगा। इसलिए मुझे एक अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में दिखता है। लक्ष्मण जी, मैं आपके लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा इन पूरे हालातों पे आपकी आखिरी टिप्पणी। संजय जी, मुझे लगता है कि जो बात मैंने पिछली बातचीत में कही उसी को फिर से दोहरा करके अपनी बात खत्म करूंगा।
असल में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नेतृत्व अब इस रणनीति पर काम कर रहा है कि उसे योगी आदित्यनाथ के कद को भी संतुलित रखना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को हर हाल में जीतना है, क्योंकि जिस सांप्रदायिक जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिकी हुई और जिसे इस चुनाव में बाकायदे देखा जा रहा है कि 5 साल के किए गए कामों की बजाय राम मंदिर, वही कब्रिस्तान पाकिस्तान, उन्हीं मुद्दों पर अगर राजनीति हो रही है, यानी वो उनका कोर ग्राउंड है पॉलिटिक्स का, और राम मंदिर बनने के बाद वो उत्तर प्रदेश को हाथ से निकलने के बाद वह संदेश नहीं देना चाहते कि मंदिर बनवा के भी वो हारते हैं। सीटों के आकलन को लेकर के मेरा जो अनुभव कह रहा है कि 40 से 50 सीटें पूरे 403 विधानसभा की ऐसी होंगी जिनपे जीत और हार का अंतर 5,000 से कम का होगा, और वो बहुत कांटे का होगा। उसमें शासन प्रशासन की भूमिका को मैं बहुत संदेह से देखता हूं, क्योंकि जब भी अंतर, जब इतना कम अंतर रहेगा, तो वो सत्ताधारी दल उसे किस रूप में मैनिपुलेट करेगा, बिहार में हमने देखा है। बिल्कुल अगर ये हुआ तब तो मुश्किल हो सकती है।